मेरा ईमान है आज खुदावंद एक बार फिर से आपको ब्लेस करने को है, आपको बरकत देने को है। और जबूर नंबर 91 हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम देखें पहली आयत से साम नंबर 91। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा, वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है, तू न रात की हैबत से डरेगा न दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आस पास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दहने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ए खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खेमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बबर और अफई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। जबूर नंबर 90, जबूर नंबर 91 और जबूर नंबर 92, ये तीन जबूरों का एक सेट है। और मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आप पढ़ें तो आप इन तीन मजामीर को इकट्ठा बैठ के एक ही सिटिंग में पढ़ना है, आपको समझ आएगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जबूर नंबर जो 22 और जबूर नंबर 23 और जबूर नंबर 24 का एक सेट है। और ये सेट जो है 22, 23 और 24 का, ये बड़ा ही जबरदस्त सेट है। और ये जबूर जो है 23 नामुकम्मल है अपनी जात में, अगर आप 22 को और 24 को नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि जबूर नंबर 22 जो है वो दुख उठाने वाले मसीहा का जबूर है। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये दुख उठाने वाले मसीहा का जबूर है। ठीक है, जो उसकी पेशनगोई करता है, उसके पहले से उसके बारे में जो प्रिडिक्ट करता है बताता है। जबूर नंबर 22 दुख उठाने वाले मसीहा का जबूर है। जबूर नंबर 23 जो है वो उस दुख उठाने वाले मसीहा का जब बयान करता है कि वो मेरा चौपान बन गया है। समझ आई? वो जो दुख उठाने वाला मसीहा जबूर नंबर 22 में है, वो जबूर नंबर 23 में मेरा चौपान बन गया है। और जबूर नंबर 24 में वो जो मेरा चौपान है, वो मेरी जिंदगी पर हुक्मरान है, वो मेरा बादशाह है। और हम उसे कहते हैं रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। जबूर नंबर 90, जबूर नंबर 91 और जबूर नंबर 92, इसी तरह से ये एक ही लड़ी में अगर आप परोएं तो ये खूबसूरत माला है। और जबूर नंबर 90 जो है वो बताता है कि इंसान किस कदर महदूद है। पांचवी आयत देखें जबूर नंबर 90 की, तू उनको गोया सैलाब से बहा ले जाता है, वो नींद की एक झपकी की मानिद हैं, वो सबको उगने वाली घास की मानिद हैं, वो सबको लहलहाती और बढ़ती है और शाम को कटती और सूख जाती है ना। गौर करें, वो ख्याल की बात करता है, नींद के एक झपकी की मानिद हमारी जिंदगी, हमारी उम्र जो है वो गुजर जाती है, वो इस बात का बयान करता है। और वो सबको उगने वाली घास की मानिद हमें बताता है, सबको लहलहाती और बढ़ती है और शाम को कटती और सूख जाती है। जबूर नंबर 90 इंसान के महदूद होने का जो बयान है वो करता है, इंसान अपनी जात में किस कदर महदूद है और उसकी जिंदगी किस कदर छोटी जिंदगी है। लेकिन गौर करें जबूर नंबर 92, जबूर नंबर 92 यह बताता है
بارہویں آیت، صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں، وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے۔ صادق کو کھجور کے ساتھ اور لبنان کے دیودار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور لبنان کا دیودار جو ہے اس کی زندگی چھوٹی زندگی نہیں ہوتی، لبنان کا دیودار جو ہے اس کی زندگی ہزاروں برسوں پر محیط ہوتی ہے، ہے نا، یہ ایور لاسٹنگ ہے نا درخت کے طور پر اسے تشبیہ، لبنان کے دیودار کو، ہے نا، جو کھجور ہے وہ بیابان کا درخت ہے، صحرا کا درخت ہے، اور لبنان کا جو دیودار ہے وہ برفیلے علاقوں کا جو ہے چوٹیوں کا درخت ہے، جو برف سے چوٹیاں ڈھکی رہتی ہیں وہاں کا درخت ہے، اور خدا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ہماری نوے زبور جو ہے بتاتا ہے ہماری عمر جو ہے وہ خیال کی مانند ہے، نیند کے ایک جھپکی کی مانند ہے، ہے نا، اور ہم گھاس کی مانند ہیں جو صبح کو لہلہاتی ہے نا اور جو ہے وہ بڑھتی ہے اور شام کو کٹتی، سوکھ جاتی اور کٹ جاتی ہے، لیکن صادق کی زندگی ایسی زندگی نہیں ہے۔ صادق کی زندگی جو ہے وہ دیودار کی مانند ہے، وہ کھجور کی مانند ہے، اور زبردست بات یہ ہے کہ دیودار اور کھجور جو ہیں یہ خداوند نے ایک ہی جگہ پر لگا دیے ہیں، یہ خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں، ہے نا، ان کی خوبی یہ نہیں ہے کہ یہ لبنان کی چوٹی پر ہے اور وہ صحرا میں ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ خداوند کے گھر میں لگائے گئے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی چھوٹی سی زندگی جو ایک خیال کی مانند ہے، جو میدان کی گھاس کی مانند ہے، جو صبح کو لہلہاتی ہے اور شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے، چھوٹی سی زندگی دیودار کی زندگی کیسے بن گئی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹی سی زندگی جو خیال کی مانند اور گھاس کی مانند، میدان کی گھاس کی مانند ہے، وہ دیودار کی زندگی کیسے بن گئی ہے؟ لبنان کے دیودار کی زندگی بن گئی ہے، اور کھجور کی مانند جو ہے وہ بن گئی ہے، اور وہ کہتا ہے بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، کیسے یہ ممکن ہوا ہے؟ اور یہ اس طرح سے ممکن ہوا ہے کہ درمیان میں زبور نمبر 91 ہے، وہاں پہ یہ لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے، راز یہ ہے ہمیشہ تک جینے کا، زندہ رہنے کا، ابدی زندگی پانے کا، ہے نا، محدود سے لامحدود ہو جانے کا، جو راز ہے وہ یہ ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ زبور نمبر 91 بتاتا ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، 15 آیت دیکھیں، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ یہ بیچ میں جو لنک ہے، جو کڑی ہے اس زنجیر کی، وہ زبور نمبر 91 ہے۔ زبور نمبر 92 ہمارے محدود ہونے کا بیان کرتا ہے، زبور نمبر 91 یہ بتاتا ہے کہ تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، ہے نا، کیونکہ تیری بابت وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، ہے نا، وہ سب راہوں میں تیری حفاظت کرے، تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اور پھر وہاں سے وہ کہتا ہے میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا، اور یہ جو محدود ہے، جو میدان کی گھاس تھی، اسے وہ کہتا ہے کہ میں تجھے لبنان کا دیودار بنا ڈالوں گا، اور تو میرے گھر میں میرا لگایا ہوا پودا ٹھہرے گا، اور تو بڑھاپے میں بھی برومند ہوگا، تیری زندگی کے ایام جو ہیں وہ برکت سے، دوسروں کے لیے برکت سے، سائے سے اور پھل سے بھرے ہوں گے۔ موسم کیسا بھی ہو، خداوند کے لوگ برکت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ سمجھ آئیے؟ یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتانی، زبور نمبر 90، زبور نمبر 91 اور زبور نمبر 92 ایک مالا کی یہ لڑی کے تین موتی ہیں، جن کے بغیر یہ مالا کی خوبصورتی نہیں ہے۔ آمین۔ پہلی بار میں نے زندگی میں یہ بات سیکھی، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، 30 سال ہو گئے ہیں مجھے خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے، اور کچھ 26 سال ہو گئے مجھے
खुदावंद की खिदमत बाकायदा तौर पर पासबान के तौर पर करते हुए पहली बार मैंने ये सीखा है कि जबूर नंबर 91 जो है उसकी पहली दो आयात में खुदावंद के चार सिफाती नाम इस्तेमाल हुए हैं। और ये बुनियाद है, ये फाउंडेशन है, ये बेस है जिस पर सारी इमारत खड़ी है, ये वो बुनियाद है जिस पर सारी बरकतें खड़ी हैं। और अगर ये चार बातें हम समझ लें तो मैं समझता हूं कि जबूर नंबर 91 की सारी बरकतें हमारी जिंदगी में आ जाएंगी, हमारी जिंदगी में बहने लगेंगी। और पहली बात जो हमने सीखी है कि जबूर नंबर 91 में वो ये कहता है जो उस एक शख्स के बारे में जो हर सारी दुनिया के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए नहीं है। अगर आप जो में शामिल हैं तो फिर आपके बारे में वो कादरे मुते के साया में है ना सुकूनत। ये कंडीशनल है। जो हक ताला के पर्दे में रहता है उस इंडिविजुअल पर, उस एक खास शख्स के बारे में लिखा है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा, हर बंदे के बारे में ये बात नहीं है। बहरहाल हक ताला के लिए हमने ये सीखा था एलियोन का लफ्ज़ जो है एलियोन इस्तेमाल किया गया, जो एलियोन के पर्दे में रहता है और एलियोन खुदावंद का सिफाती नाम है जो उसे मोस्ट हाई गॉड कहता है, जो मोस्ट हाई गॉड के पर्दे में रहता है। और ये जो मतलब है एलियोन का, एलियोन का मतलब है वो खुदा जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है ना, जो इस जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, जो उसके पर्दे में रहता है वो उस शख्स के बारे में। मुल्क सदक सालम का बादशाह जब आया तो मुल्क सदक सालम के बादशाह ने ये मुकाशफा जो एलियोन का मुकाशफा है, जो खुदा जमीन और आसमान का खुदा है, ये मुकाशफा खुदा ने अब्राहम को बख्शा था है ना। और ये पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब में इसका जिक्र है, इसका बयान जो है वो किया गया है। फिर उसके बाद जो दूसरी लाइन है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। कादरे मुतलिक के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है एल शेडाए। जो एलियोन के पर्दा में रहता है वो एल शेडाए के साया में सुकूनत करेगा। और ये जो एल शेडाए है इसका मतलब है खुदा कादरे मुतलिक, जिसके पास सारा इख्तियार है, जिसके पास पूरी कुदरत है। आमीन। उसके पास पूरी कुदरत है, उसके पास पूरा इख्तियार है ना। वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, सुने ध्यान से, ये मुकाशफा जो एलशेडाए खुदा का है, ये मुकाशफा अब्राहम को दिया गया था, अब्राहम को दिया गया था। और अब्राहम उस वक्त 100 साल का था, 99 साल का था जब खुदा उस पर जाहिर हुआ और खुदा ने जो है उसे ये कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा। और बढ़ापे में जब वो उस उम्र से गुजर चुका था, खुदा ने अब्राहम को और उसकी बीवी सारा को जो 90 साल की थी है ना, जिसे जिन दोनों को यकीन नहीं आता था कि ऐसे हो सकता है, और अब्राहम अपने दिल में हंसा और सारा वो भी अपने दिल में हंसी। अब्राहम ने हंस कर ये कहा था नहीं, इस्माइल ही तेरे हजूर में जीता रहे, इस्माइल ही जीता रहे। और सारा अपने खेमे में अपने दिल में हंसी थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या किसी बुढ़िया के औलाद हो सकती है। और खुदा वहां पे उसने, खुदा ने उसे कहा था 18वें बाब में, क्या खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन है ना। अब ये जबूर नंबर 91 में जो जबूर नवीस है वो एल शेडाए खुदा पर ईमान रखता है और वो ये कहता है कि ताकत और इख्तियार जो है ना दिन को उड़ने वाले तीर में है, ना रात को चलने वाली वबा में है, ताकत और इख्तियार जो है वो मेरे खुदा के पास है और जो कुछ खुदा कहता है मेरी जिंदगी में वो होगा। हालेलुया। ताकत
ताकत और इख्तियार सुने ना सारस में है, ना सार्स वायरस में है ताकत और इख्तियार, ना कोरोना वायरस में है ताकत और इख्तियार। का मंबा मेरा और आपका मसीह खुदावंद यीशु है। हालेलुया। मसीह खुदावंद इस दुनिया में आया और उसने पढ़े लिखों को नहीं, उसने महसूल लेने वालों को चुन लिया। महसूल लेने वाले जो थे इन्हें रोमी हुकूमत का एजेंट कहा जाता था, ठीक है, और लोग इनको नापसंद करते थे। उसने मत्ती महसूल लेने वाले को चुन लिया जो गुनहगार था। और महसूल लेने वाले, आपको पता है, जब वो जकई के घर में गया, और जकई क्या था, जकई महसूल लेने वाला था, ठीक है, तो वो कहने लगे ये तो महसूल लेने वालों का और गुनहगारों का यार है। उसने माहीगीरों को चुन लिया, मच्छेरों को चुन लिया, और उसने गलील के लोगों को चुना। और गलील के लोग जो हैं ये बॉर्डर के एरिया में रहते थे, और बॉर्डर के एरिया में रहने की वजह से ये लोग जो थे ये इनकी जुबान इनकी बोली मिक्स थी, और ये ठीक तरह से बोल भी नहीं सकते थे, है ना। और जब ये बात करते थे ये अजीब तौर से बात करते थे, और ये जो बैंड है जो उसके इर्द गिर्द जमायत है गिरोह है, इस गिरोह के बारे में देखें, ये सारे लोग एक किश्ती में बैठ के, और ये मसीह खुदावंद उनके साथ था, और मसीह खुदावंद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था, और वो किश्ती जो है वो पार लेकर जाना था, उन्होंने उस पार जाना है, और रास्ते में ग्रासिनियों के इलाके की तरफ ये रवा दवा है, और झील में एकदम से तूफान आ गया, और ये जो तूफान आया है इसकी वजह से लहरें उठने लगी, और हवा जो है वो अनकंट्रोल हो गई है, और लहरें जो हैं वो बेकाबू हो गई हैं, और किश्ती जो है वो पानी से भरी जा रही है, और वो भाग कर गए हैं, और जाके ये माहीगीर जिन्होंने बड़े तूफानों को देखा है और बड़े स्किल्ड हैं बड़े माहिर हैं तूफानों पर गालिब आने के लिए, ये बेबस हो गए हैं, और बेबस होकर उसे कहने लगे क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुआ चाहते हैं। और बाइबल में पता क्या लिखा है, ये जो कादरी मुतलिक खुदा है जो एल शडाई है जिसके पास सारा इख्तियार है सारी कुदरत है, ये खड़ा हुआ और इसने हवा और पानी को झिड़का, उसने हवा को डांटा और पानी को झिड़का, उसने कहा साकत हो थम जा। और बाइबल में क्या लिखा है, बड़ा अमन हो गया। और ये लोग कहने लगे ये कौन है, वो डर गए खौफ ज्यादा हो गए, और कहने लगे आपस में कहने लगे ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुने, आखिरी दौर के इस आखिरी हिस्से में आप जिंदगी गुजार रहे हैं जहां पे खौफ का दौर दौरा है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, कोरोना वायरस खुदावंद यीशु मसीह के कदमों के नीचे है, क्योंकि वो कादरे मुतलिक खुदा है, वो एल शडाई है। आमीन। और चूंकि वो एल शडाई है इसलिए मैं उसके साये में रहता हूं। मैंने दरियाफ्त कर लिया है, मैंने एक जगह ढूंढ ली है जो जगह मेरे लिए पनागा है, और वो जगह है जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। और फिर उसके बाद उसका तीसरा नाम इस्तेमाल किया गया, और उसका तीसरा नाम है मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा। किसके बारे में? खुदावंद के बारे में। और यहां पे जो खुदावंद के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये खुदा का एक और सिफाती नाम है, और ये सिफाती नाम जो है वो है यहोवा। यहोवा, बोले यहोवा, 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 यहोवा। जो लफ्ज है ये हया से निकला है, जिसे हम कहते हैं हया। हया जो आपका उर्दू जुबान में लफ्ज है, ये इब्रानी जुबान के लफ्ज हया से निकला है। हया, और हया का मतलब है जिंदगी। हया का मतलब है जिंदगी। वो कहता है मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। और यहोवा जो है, यहोवा उसका सिफाती नाम है, यहोवा कवनेंट, कवनेंट नेम है, और ये आम नाम नहीं है। आदम के पास ये मुकाशफा था कि खुदा ने कि उसने खुदा को जाना, उसने यहोवा को जाना जो अहद बांधने वाला खुदा है। पैदाइश की किताब में
उसके पहले और दूसरे बाब में एलोहीम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, लेकिन तीसरा बाब और उसकी आठवीं आयत में यहोवा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि खुदावंद जो ठंडे वक्तों में आदम और हवा के साथ बातचीत करता था, वो ढूंढता हुआ आया। खुदावंद जो है उसने उसे पुकारा, आदम तू कहां है, आदम तू कहां है। यहां पे यहोवा लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है तीसरे बाब में, ठीक है। और आदम क्या कहता है, आदम कहता है मैंने तेरी आवाज बाग में सुनी और मैं डरा और मैंने अपने आप को छिपाया क्योंकि मैं नंगा था। उसने उसे कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है। मेरी बात सुने ध्यान से, उनके बारे में पहले भी लिखा था कि आदम और हवा वो नंगे थे और शर्माते ना थे। वो नंगे नहीं थे, उनके इर्द गिर्द खुदावंद का जलाल ठहरा हुआ था। आमीन। खुदावंद की हजूरी उनके इर्द गिर्द छाई हुई थी, लेकिन जब उन्होंने खुदा की हजूरी से बाहर कदम रखा, ठीक, तो वो जलाल जो उनके इर्द गिर्द था वो उठ गया, ठीक है, और उनको उनकी आंखें खुल गई। आंखें क्या खुली, आंखें ये खुली नहीं थी कि जलाल उठ गया है और उन्होंने एक दूसरे को नंगा देखना शुरू कर दिया, ठीक है, और उन्होंने अपने आप को छिपाया। और बाइबल मुकदस में पता क्या लिखा है, उन्होंने इंजीर के पत्तों से लुंगियां सीकर जो है अपने नंगेपन को छुपाने की कोशिश की। लेकिन ये जो यहोवा का मुकाशफा उनको मिला है, यहोवा ने चमड़े के कुर्ते बनाकर, चमड़े के कुर्ते बनाकर उनके नंगेपन को ढांका, उनके नंगेपन को छुपाया। मेरी बात सुने ध्यान से, चमड़े के कुर्ते कब बनते हैं, जब बर्रे को जिबा किया जाता है, जब बर्रे को जिबा किया जाता है। आमीन। आदम ने खुदावंद के अहद के नाम को यहां पर जाना है और उसे कहा खुदावंद अहद कायम करने वाला खुदा है जो नंगेपन को छुपाता है, ढांपता है और खून बहाकर हमारे नंगेपन को कवर कर देता है। जबूर नंबर 91 में, जबूर नवीस पहली और दूसरी आयत में, दूसरी आयत में वो कहता है मैं यहोवा के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। समझ आ रही है, उसका पहला नाम क्या है, वो इलियोन खुदा है जो जमीन और आसमान का खुदा है, जो जमीन और आसमान का खुदा है। उसका दूसरा नाम एलशेडाय है जिसका मतलब है वो कादर मुतलिक खुदा है। उसका तीसरा नाम यहोवा है ना, जो मेरी पनाह और मेरा गढ़ बन गया है। और मेरी पनाह और मेरा गढ़ इसलिए है कि उसने अपने बेटे ही को दरेग नहीं किया, बल्कि ऐन उस वक्त जब मैं गुनेगार ही था यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पर कुर्बान हो गया है। और खुदा ने मेरे साथ यीशु मसीह के खून के वसीले से, खुदा ने अपने बर्रे के वसीले से मेरे साथ अहद कायम कर लिया है। वो सलीब पर कलफ नंगा होकर जान दे दी है ताकि मेरे नंगेपन को वो ढांप सके और छुपा सके। और मुझे खुदा का मुकाशफा मिला है, और खुदा का मुकाशफा जो मुझे और आपको मिला है वो ये है कि मैं खुदावंद के बारे में, मैं यहोवा के बारे में कहूंगा वो मेरी पनाह और मेरा गढ़ बन गया है। आमीन। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। यहां पे जो खुदा का सिफाती नाम है वो है एलोहीम, एलोहीम, एलोहीम। और एलोहीम जो है वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। और एलोहीम खुदा, पता कौन खुदा है, इसके बारे में ये मुकाशवा भी खुदा ने जो है आदम को दिया था। और पैदाइश की किताब उसके पहले बाब और उसकी पहली आयत से ये खुदा का नाम जो है ये इस्तेमाल होने लगा। और पहली आयत से ही आगे आगे जो है वो ये लिखा है, इब्तदा में खुदा ने, एलोहीम ने जमीन और आसमान को पैदा किया।
आमीन। और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था। अब जब जबूर नवीस ये कह रहे हैं कि मेरा खुदा, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, तो असल में वो ये कह रहे हैं कि वो खुदा, मेरा खुदा वो है जो वीरानी और सुनसानी और गहराव के ऊपर अंधेरा हो, है ना, वो अकेला नहीं छोड़ता, वो पाताल की तह में अपने लोगों को संभालता है। मेरी वीरानियों का चारा किया है, मेरे सुनसानी का चारा किया है, उसने मुझे नई जिंदगी बख्श दी है। वो एलोहिम खुदा है जो जमीन और आसमान का मालिक है और खुदा है। वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यह चार नामों का मुकाशफा है जिस पर वो कहता है मेरी बुनियाद है, और इस बुनियाद पर उसने अपनी जिंदगी तामीर करना शुरू की है, और खुदा की बरकतें, खुदा का फजल उसकी जिंदगी में है, और ये नशरियात, ये ट्रांसमिशन जो उसकी जिंदगी में जाहिर हुई है। वो कहता है क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोलक वबा से छुड़ाएगा, तुझे अपने परों से छुपा लेगा, है ना, और तुझे उसके साया में, उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी, उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है, तू ना रात के हबल से डरेगा, ना दिन कोड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती, ना उस इलाके से जो दोपहर को वीरान, तेरे आस पास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन उनमें से कोई तेरे करीब नहीं। ये जो नशरियात शुरू हुई है, ये नशरियात की जो बुनियाद है, खुदा के मौजजात और उसकी हिफाजत की जो बुनियाद है, उसकी प्रोटेक्शन की ये जो बुनियाद है, ये इन चार बातों पर है कि वो खुदा एलियोन खुदा है, वो खुदा एलशेडाय खुदा है, और वो खुदा जो है वो यहोवा खुदा है, और वो खुदा जो है वो एलोहिम खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। मैंने उसमें पनाह ले ली है, और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, है ना। और खुदा कहता है मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा, मैं उसे अपनी निजात दिखाऊंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, है ना, मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। आमीन। ये आपके लिए भी है, ये मेरे लिए भी है, और खुदा हमारी जिंदगी में ऐसा करना चाहता है। लेकिन ये चार नाम हैं, इन चारों नामों को अपनी बुनियाद बना लें। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपके साथ रहेगा।